हेलो स्टूडेंट्स माय मैंने अरूज फाम है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर थ्री जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स इसमें जो भी कार्डियोवैस्कुलर वैसे सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या उसके क्या उसके डिजीजेज हैं क्या क्या उसकी अब नॉर्मैलिटीज़ है चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर वैस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये हार्ट और ब्लड वेसल से बना हुआ होता है ब्लड वेसल्स में आती हैं जैसे कि वेन्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज उसके अलावा ये जो हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं ये एक साथ काम

उसके अलावा ये क्या करता है सीओ टू और मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यूज टू लंग्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो न्यूट्रेंट अप्लाई करने के साथ ये साथ ये क्या करता है जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में एक्ूमुलेट होता है उसको साथ ही साथ ये क्या करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुँचाता है जहाँ से वो एलिमिनेट हो सके नेक्स्ट इसका फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हॉर्मोन्स फॉर द बॉडी फिर नेक्स्ट इसमें आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उसके अलावा ये हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को मेनटेन करने का काम करता है और इसी सिस्टम uh, के जो डिजीज और डिसऑर्डर होते हैं यानी कि जो हार्ट या फिर ब्लड वेसल से रिलेटेड होते हैं उसको हम कार्डियोस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स कहते हैं तो uh, यहां पे कुछ डिजीज uh, या डिसऑर्डर लिस्ट किए हुए हैं जैसे कि हाइपर टेंशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर स्टेमिक हार्ट डिजीज एंजाइना पेक्टो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर्टीरियो एंड एथोरोसोरोसिस कार्डियक एरि थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म एंड हाइपरकोलेट्रोलिया तो ये ये सारे जो डिजीज हैं ये कहीं ना कहीं हार्ट या फिर ब्लड वेसल से रिलेटेड है रिलेटेड हैं जिनके के बारे में में इस में हम डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, से। तो जब भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड की जरूरत होती है जिस कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करता है उस ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए उस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं तो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन कंडीशन इन विच लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड एक्ट अगेंस्ट आर्टरी वॉल्स विच इज हाई इनफ दैट मे इवेंचुअली कॉज सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन तो ये हो गया हाइपर के बारे में और इन सिंपल लैंग्वेज इसको हम परसिस्टेंटली इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी कहते हैं अगर लगातार आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज है

कॉज जो होता है वो हमें पता नहीं होता है ये कि किसी लाइफ स्टाइल हैबिट की वजह से हो रहा है किसी फूडिंग हैबिट की वजह से हो रहा है और इसके अलावा इसमें आता है सेकेंडरी हाइपर टेंशन ये जो टाइप ऑफ हाइपर टेंशन है किसी ना किसी डिजीज या फिर अंडरलाइंग डिसऑर्डर की वजह से होता है फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर्स फॉर एग्जाम्पल एड्रिनल एडनोमा और फियोग्रोसाइटोमा विच इज द ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड उसके अलावा इसमें कुछ रीनल एंडोक्राइन एंड कार्डिया और सेकेंडरी तो में वो यही है कि प्राइमरी हाइपर होता है और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसका कॉज जो मेजर डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में वो ये है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें कॉज नहीं पता होता है और सेकेंडरी हाइपर में हमें कॉज पता होता है तो एक हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज हाइपर क्राइसिस थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन क्राइसिस इज अ सीवियर कंडीशन इन विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर में लीड टू हार्ट स्ट्रोक ये जो परसिस्टेंटली इंक्रीज ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी में ये आगे जाके क्या हार्ट स्ट्रोक कॉज कर सकता है और इस कंडीशन में जो होती हैं ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाती हैं जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को वन एटी एम या उससे ज्यादा कर देती हैं या फिर इसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज कर देती हैं विच इज मोर देन और इक्वल टू वन ट्वेंटी एम तो इस कंडीशन में क्या होगा जो हार्ट है दैट विल नॉट बी एबल टू पंप सफिशेंट ब्लड जो कि अल्टीमेटली आपका क्या कॉज कर सकता है हार्ट नेक्स्ट हम इसकी एटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे एटियोलॉजी बेसिकली कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से कोई स्पेसिफिक डिजीज कॉज हो रहा है तो इसमें सबसे पहला आता है रीनल डिसऑर्डर जिसमें सबसे पहला आता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस जो इन्फ्लॉर्मेशन होता है क्रोनिक रीनल डिजीज यानी कि लॉन्ग टर्म क्रोनिक रीनल डिजीज यानी कि लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज पॉलिसेस्ट्रिक डिजीज उसके अलावा इसमें आता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस रीनल वेस्किलइटिस एंड रीनल प्रोड्यूसिंग ट्यूमर तो ये हो गए हमारे सारे रीनल डिसऑर्डर तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो कर सकते हैं वो है जैसे कि सिंड्रोम के केस में होता है इसके अलावा ये एक ये एक क्रूड ड्रग है जिसके इंजेक्शन की वजह से हाइपर टेंशन कॉज हो सकता है उसके अलावा इसमें आते हैं कुछ कुछ एक्सोजिनस हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकोकोडिकॉइड्स ईस्ट्रोजन एंड एंड टाइम कंटेनिंग फूड्स अदर आता है मोनोम में ये वाले जो चार डिसऑर्डर हैं जैसे ट्यूमर ऑफ द एड्रनल ग्लैंड उसके अलावा इसमें आता है एक्रोमीगली विच इज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन उसके अलावा नेक्स्ट इसमें आता है हाइपोथर जिसको हम मिकोडीमा भी कहते हैं अदर लैंग्वेज में इस कंडीशन में क्या होता है जो हमारी बॉडी में आ, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ या डिक्रीज अमाउंट ऑफ थायरय हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हाइपर थारॉइडिस जिसको अदर लैंग्वेज में थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं और इस कंडीशन में क्या होता है हमारी बॉडी एक्सेसिव प्रोडक्शन करने लगती है थायरॉय हार्मोन का फिर कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हाइपरटेंशन कॉज होने के लिए पहला इसमें है कोलिट्राइटिस न्यूरोजेनिक कंडीशन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर स्लीप एपनिया इंक्लूडिंग सर्जरी फिर ये तो सारे डिजीजेस की बात हो गई कुछ इसके अलावा भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन कॉज करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ सोडियम अगर हम सोडियम एक्सेस एक्सरसम एडमिनिस्टर कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में भी हाइपर टेंशन या बीपी जो है वो बढ़ जाता है उसके अलावा इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम इन द नेक्स्ट इसमें आता है इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन तो ये ये जो रेनिन है बेसिकली क्या करता है का का और इंक्रीज कर देता है जो कि हाईली कंट्रीब्यूट करते हैं इन द कॉजेशन ऑफ हाइपर टेंशन नेक्स्ट इसमें आता है डायबिटीज में जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स है आप मोस्टली ऑब्जर्व करेंगे कि ओ, उनको बीपी का कोई ना कोई इशू होता है या मोस्टली केसेज में आप देखेंगे कि हाई बीपी रहता है उनको उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी डायबिटीज से रिलेटेड ही है और इस का जो मेजर कॉज है वो है आपका ओबेसिटी जितने भी ओबीस पेशेंट्स पेशेंट्स हैं यानी वो patients जिनका वेट बहुत एक्सेस में है तो उनको भी हाइपरटेंशन होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस तो इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पैथोजेनेसिस है इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स है या क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आकर होते हैं जिसकी वजह से फाइनली आपका डिजीज या डिजॉर्डर जो है वो Pause हो जाता है तो ये जो की, इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और मेनली जो होता है इसमें जो किडनी होती है दैट इज द मेन टारगेट ऑर्गन ऑफ द हाइपरटेंसिव प्रोसेस और इसमें कई सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द कॉजेशन ऑफ हाइपरटेंशन

होल बॉडी मतलब जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स हैं माइक्रोवेस्कलेटर हमारी बॉडी में वो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट करती है उसको हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं तो ये चीज हो गई फिर नेक्स्ट इसमें आता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन किस वजह से होता है जब रेनियन आइजोटेंसन सिस्टम जो है जो कि सोडियम और वाटर को रिटेन करने का काम करता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है यानी जो कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो

उसके बाद ये क्या करती है ये जो किडनी सेल्स हैं वो रेनिन को रिलीज करती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम इन द ब्लड स्ट्रीम उसके बाद इसमें एनजोटेंसिनोजन कन्वर्जन होता है तो ये जो रेनिन होता है ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है एनजियोटेंसोजन उस पर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें एंजियोटेंसिन वन में उसके बाद एस एंजाइम्स यूज होते हैं एस का एक्टिवेशन होता है विच इज द एनजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये एक्टिवे इनएक्टिव फॉर्म में होता है इनिशियली एंजियोटेंसिन वन जो है और ये जो एंजाइम होता है ये एंजियोटेंसिन वन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन टू में फिर हम अब अगला पढ़ते हैं एंजियोटेंसिन टू के इफेक्ट्स क्या होते हैं ये जो है ये एक पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीपीआर जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसको ये इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है ब्लड फ्लो का थ्रू द ब्लड वेसल्स वो एक्सटेंसिवली इंक्रीज कर जाता है उसके बाद एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है तो जब ये एनजोटेंसन टू जो होता है ये स्टिमुलेट होता है तो इट कॉज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टर फ्रॉम द एडिनल ग्लैंड एडिनल ग्लैंड को ये उसके बाद एल्डोस्टरॉन रिलीज होता है जब भी एनजोटेंसन टू जो है वो स्टिमुलेट होता है तो ये क्या करता है इट कॉजेज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टरॉन फ्रॉम द एडिनल ग्लैंड एडिनल ग्लैंड से क्या होता है एल्डोस्टरॉन रिलीज होता है जो कि किडनी पे काम करता है किडनी में क्या होता है कि जो सोडियम है वो है वो एक्सक्रीट होता और पोटेशियम जो है वो और एलोस्ट्रॉन क्या करता है ये किडनी पे, पे काम करता है और किडनी में क्या होता है जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट हो जाता है और सोडियम और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड ब्लड प्रेशर

नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से क्या होगा ये हमारी बॉडी में तो रिटेन होने लगेंगे यानी कि हमारी बॉडी में ये रीऑब्जॉर्ब होने लगेंगे जिसकी वजह से इनका जो कंसनट्रेशन है वो प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाएगा और एज अ होल अगर देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो uh, कंसंट्रेशन है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा विच विल फर्दर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड हेल्थ विल लीड टू हाइपर टेंशन उसके बाद

हाइपर तो ये हो गई uh, की पैथोजेनेसिस अब हम कुछ साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या सारे सिम्टम्स हैं तो इसमें सबसे पहले आता है चेस्ट पेन जिसको अदर लैंग्वेज में हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में उसके अलावा इसमें अगला इसका सिम्टम है कंफ्यूजन ईयर नॉइज और बजिंग जिसको भी कहते हैं उसके अलावा इसमें आता है इरेगुलर हार्ट बीट विच इज कार्डिया कैरिडमिया नोज ब्लीड कुछ केसेस uh, में नोज ब्लीडिंग होने लगती है जिसको हम एपिटैक्सिस भी कहते हैं और मोस्टली हाइपरटेंशन uh, के पेशेंट्स में एक्सोशन या फिर लेथार्जी मतलब पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है उसके अलावा इसका सिम्टम जो है वो है विजन चेंजेस यानी कि विजन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अगर हाइपरटेंशन किसी को डायग्नोज होता है नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यानी कि हाइपरटेंशन जब कॉज हो चुका है उसके बाद फर्दर उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में क्या डिजीज या फिर डिजॉर्डर कॉज हो सकते हैं और इसमें सबसे पहला आता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये कंडीशन मेनली के, के, के केस में अराइज होती है जब आर्टरीज नैरो डाउन हो जाती है के केस में क्या

दैट इंडिकेट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नेक्स्ट इसमें आता है हार्ट फेलियर ये वो कंडीशन है जिसमें जो हार्ट है वो एफिशेंटली ब्लड पम्प नहीं कर पाता है, या सफिशेंट अमाउंट में ब्लड पम्प नहीं कर पाता है और ये कंडीशन क्या कॉज करता है ये हार्ट मसल्स को थिकेन कर देता है जिसकी वजह से जो ब्लड uh, है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होता है ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं होता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है फिर वीकेंड एंड नैरोड वेसल्स इन किडनीज तो हाई बीपी जब होता है तो जो किडनी में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है उनकी वो वीकेंड हो जाती है या फिर डाउन हो जाती है जो कि किडनी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाता है नेक्स्ट इसमें आता है थिकेंड नैरोड और टॉन्ट ब्लड वेसल्स तो यहाँ पे बात होगी किडनी की अब यही सेम चीज़ें जो होती है वो आईज में भी हो सकती है जिसकी वजह से विजन चेंजेस आने लगते हैं आई प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और uh, कुछ केसेस में जो पेशेंट है मे ऑल्सो कॉज अ लॉस ऑफ विजन नेक्स्ट इसमें आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो जो हाई बीपी है बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो होते हैं वो भी कॉज कर सकता है सबसे पहले इसमें आता है वेस्ट सर्कम्प्रेंस इंक्रीज हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और हाई डेंसिटी लिपो का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ये जो एच है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है लेकिन इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है उसके अलावा परसिस्टेंटली इंक्रीज ब्लड प्रेशर रहेगा या फिर इंसुलिन का भी लेवल ये इंक्रीज कर देता है और इन कंडीशंस की वजह से डायबिटीज़ और बहुत सारे हार्ट डिजीजेज एंड स्ट्रोक भी कॉज हो सकता है तो यहाँ हमने देखा कॉम्प्लिकेशन के बारे में नेक्स्ट अब हम, हम देखते हैं इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज़ इस फिग्मोमैनोमीटर इसके हेल्प से हम हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोज कर सकते हैं वैसे जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की वो होती है 120 by 80 mm of लेकिन अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर है तो इसके मेनली तीन स्टेजेस होंगे जिसके जो हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में प्री हाइपर के केस में क्या होगा ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो वन से वन के बीच में रहेगा और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एटी से एटी के बीच में रहेगा स्टेज वन हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से 159 के बीच में रहेगा और जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसके केस में क्या होगा 90 से 99 के बीच में रहेगा ब्लड प्रेशर स्टेज 2 हाइपरटेंशन ये एक सीवियर केस होता है इस केस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 160 और अबव रहेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के केस में वो जो है इदर 100 और अबव 100 रहेगा तो इस तरीके से जो भी तो इस तरीके से हम हाइपरटेंशन को डायग्नोज कर सकते हैं नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कैसे हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा सकता है क्या इसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है तो इसके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में दो अप्रोचेस हैं पहला इसमें है फार्माकोलॉजी दो अप्रोचेस हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच फार्मोकोलॉजिकल अप्रोच है उसमें मेनली हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम दे सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और जो इसका नॉन फार्मोकोलॉजिकल अप्रोचे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं क्या क्या फूडिंग हैबिट्स हम चेंजेस चेंज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला इसमें आता है डाइटरी चेंजेस तो जब भी एलिवेटेड बीपी की कंडीशन होगी हाई बीपी की कंडीशन होगी तो सोडियम इनटेक कम से कम करना है और पोटेशियम इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो जिसके लिए डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है फूड प्लान विच इज नोन एज डायट्री अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपर जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंशन है जो कि इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं हाइपर को और बहुत सारे फूड जो कि हाई बीपी पी कॉज करते हैं शुड बी अवॉइडेड फॉर एग्जांपल रेड मीट कोकोनट ऑयल एंड शुगर रिच और डाइटरी चेंजेस के अलावा एक्सरसाइज

मैनेज हो सकती है Next, इसमें आता है है स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट। सारे सारे केसेस तो बहुत हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उसकी वजह से जो हाइपर प्रेशर है वो मैनेज तो कर सकते हैं इजिली नेक्स्ट इसमें आता है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच इसमें हम कुछ ड्रग्स करेंगे जिनके हेल्प से इफेक्टिवली जो है वो हाइपर को मैनेज किया जा सकता है इसमें सबसे पहला आता है डायरेटिक्स जिनको वाटर और फ्लूड भी कहते हैं ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन उस उसमें उस केस में जब सोडियम जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा उसके लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके एक्सक्रीशन में डायबिटिक्स हेल्प करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, हैं फ्यूरोसेमाइड हाइड्रोक्लोरोड एंड क्लोरोथाइजाइड नेक्स्ट इसमें आता है अल्फा ब्लॉकर्स ये फ्री ब्लड फ्लो प्रमोट करते हैं बाय कीपिंग द नर्व फ्रॉम टाइटनिंग ब्लड वेसल्स जो है इनको टाइटन नहीं होने देते हैं और फ्री ब्लड फ्लो प्रमोट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेराजोसिन एंड प्राजोसिन नेक्स्ट कम्स बीटा ब्लॉकर्स ये जो बीटा ब्लॉकर्स है ये हार्ट बीट को स्लो डाउन कर देते हैं जो कि ब्लड हाई ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होती है बाय हेल्पिंग इन लेस ब्लड फ्लो थ्रू द वेंस ये फैसिलिटेट uh, करते हैं लेस ब्लड फ्लो थ्रू द वेंस जिसकी वजह से जो हार्ट बीट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि प्रोप्रानोलॉल मेटोप्रोलॉल एंड एटीनोलॉल नेक्स्ट कम्स अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स ये जो है कंबाइंड एक्शन शो करते हैं अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स का इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बेडिलोल लेबेटोलॉल एंड डायलेवेलॉल इसके बाद इसमें आते हैं कैल्शियम टैनल ब्लॉकर्स ये क्या करते हैं ये कैल्शियम को हार्ट के जो मसल सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उसमें एंटर नहीं करने देते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो रिलैक्स रहते हैं

जो जो डिस्क्राइब uh, किए जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए तो इसमें हमने पढ़ा कि हाइपरटेंशन क्या होता है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं क्या उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं मेनली उसका हमने पैथोजेनेसिस डिस्कस किया तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं इस पार्ट को और इस लेक्चर के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो मेनली हार्ट रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंजाइना पेक्टोरिस स्टेमिक हार्ट डिजीज और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड subscribe